पीएम मोदी का 72वां जन्मदिवस आज, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री सहित कई नेताओं ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की योजनाओं को सहारा कहा। आत्मनिर्भर भारत मुहिम ने देश को सम्मानित देशों की करार पर खड़ा किया। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काफी है राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज। एमपी, यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों पर मेहरबान हुआ मानसून, 2022 साफ हवा में सांस लेने का दिया मौका। बल्लेबाज विराट कोहली बने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले वर्ल्ड के इकलौते बल्लेबाज। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जन्मदिन है। पीएम मोदी आज 72 साल के हो गए। इस मौके पर देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। पीएम मोदी आज अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को 70 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से बसाने के लिए छोड़ेंगे। ये चीते नामीबिया से भारत लाए गए हैं। पीएम मोदी इसके बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल में स्व सहायता समूह के एक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और संबोधित भी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जीवन काल के 72 साल पूरे किए, जिस पर पीएम को पूरे देशवासियों के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं ने बधाई दी। इस कड़ी में बनारस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिवस उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बनारस के गंगा घाट समेत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बनारसवासी अपने सांसद और देश के पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें बधाई देने वालों का सोशल मीडिया पर तांता लगा हुआ है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता से लेकर विपक्षी नेता तक प्रधानमंत्री मोदी की जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी को रेत की मूर्ति बनाकर उन्हें बधाई दिया। मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनके 72वें जन्मदिवस पर बधाई देने के लिए ओडिशा के पूरी समुद्र तट पर उनके 5 फीट की रेत की मूर्ति बनाई है। इस कलाकृति पीएम मोदी की तस्वीर के साथ 1213 मिट्टी के चाय के कप भी बनाए हैं। लखीमपुर खीरी में सगी बहनों के साथ की गई हैवानियत और निशंक हत्या को लेकर पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इसके जरिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन अंबेडकर चौराहे पर कैंडल मार्च निकालने के बाद 2 मिनट का मौन रखकर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, इसके उपरांत दोनों बहनों को पेड़ से लटका कर मार दिया गया, ये दुखद एवं निंदनीय है। खबर अमेठी से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर गांव के लोगों में युवक के साथ मारपीट की, धारदार हथियार से हमला किया, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट में शामिल 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बता दें कि मुंशी नगर थाना क्षेत्र के दरपियापुर चौराहे का मामला बताया जा रहा है। हुआ है मामला, मेरे बच्चे गुड़गांव में रहते हैं, तो वहाँ भी 3-4 महीने पहले यही लोग वहाँ मेरे बच्चे को मारे थे। रीढ़ का हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद जो है ये लड़का मेरा सफाई कर्मचारी है, तो ये लोग वहाँ कहे थे कि यहाँ एक जने को मारे हैं, यहाँ से चल करके वहाँ देखता हूँ।
फरुखाबाद में देर रात बाइक से घर आ रहे मोटरसाइकिल मैकेनिक को गोली मार दी गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी ने मृत घोषित कर दिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी सीओ सिटी रविंद्रनाथ राय समेत पुलिस बल के साथ देर रात जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे, परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली और परिजनों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। गोली मार दी। कहाँ पे? बट्टा मोड़ पे। कौन से बट्टा मोड़ पे? उस्मान किला वाले रोड पे। कोई रंजिश वगैरह किसी से? पता हमें ना पता। कैसे पता चला? जब वहाँ गए कुछ लोग तब पता चलो। अभी कहाँ लेके आयो? अभी लोहिया अस्पताल में। पुलिस पहुँची थी मौके पे? नहीं पहुँची थी अभी। तुम डायरेक्ट लेके आयो? हाँ। किसी से गाँव में रंजिश वगैरह किसी से कुछ भी? अब ये हमको नहीं पता, उनकी बीवी को पता होगा। अभी हमारे पास एक युवक आए विनोद नाम का, जिसकी उम्र रही है 48-50 साल, और जो कि उसके पिताजी के नाम है गेदर लाल, जो कि उस्मान निकला सेंट्रल जेल का आसपास का कहीं का निवासी है। और हमारे पास मृत अवस्था में उसको लाया गया, पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद पेशेंट को मृत घोषित कर दिया गया है। उनके घर वालों का कहना है गोली लगी है, क्या लग रहा है? हाँ, ऐसा उनके घर वाले हिस्ट्री दे रहे हैं कि उसकी गोली वोली लगी है, और पेशेंट के बाकायदा सिम्टम्स देख के भी और जो इंजरी है उसको देख के लग भी रहा है कि इट मे बी अ गनशॉट, ये हो सकता है कि गोली लगने से ही उसकी मृत्यु हुई हो। ये लगभग 40 वर्ष के विनोद राजपूत हैं। इनका शव इनके परिजन लेके लोहिया हॉस्पिटल आए, और लोहिया हॉस्पिटल से ही सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस यहाँ आई है। इनको गोली लगी हुई है। हम सारे तथ्यों का पता लगा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इनको गोली लगी। ये यहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के उस्मान नगला के रहने वाले हैं और पैसे से मोटरसाइकिल मैकेनिक है। बिजनौर में पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद। आपको बता दें कि गंगा बैराज पर कैबिनेट मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं मंत्री ने कहा कि बैराज को खूबसूरत बनाया जाए, साथ ही गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए गंगा में 65,000 मछलियों को प्रवाहित किया गया है, जिससे जलीय जीव जंतुओं को स्वच्छ वातावरण मिल सके। इस दौरान मंत्री ने गंगा किनारे बसे लोगों के लिए योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि हर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, जिससे बैराज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के आरटीओ कार्यालय में जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी के आरटीओ कार्यालय ने औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय के कमरे और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने आरटीओ कार्यालय परिसर में खड़े लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलीगढ़ जनपद के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाता है, जिसके क्रम में आज आरटीओ दफ्तर का निरीक्षण किया गया है। आज जन सामान्य जो यहाँ अपने विभिन्न कार्यों के लिए आते हैं उनसे भी संवाद किया गया है। किसी ने भी कोई ऐसी कर्मचारियों के बारे में, अधिकारियों के बारे में कोई शिकायत नहीं की। उनका काम सहजतापूर्वक हो रहा है नहीं, ये इसकी भी जानकारी की गई। कोई अवांछित व्यक्ति तो आरटीओ दफ्तर में नहीं है, इसको भी देखा गया, और चूँकि पूरी तरह से औचक है तो पाया गया कि कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो अनधिकृत रूप से यहाँ पर अनियमित गतिविधियों में किसी में लिप्त हो, और ना ही किसी जन सामान्य के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत की गई है। अलीगढ़ में एडीए कॉलोनी के बिजली घर के पास, जहां दिन दहाड़े चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और वहीं शक होने के बाद युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक युवक मौके से फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस घटना की जाँच में जुट गई। अलीगढ़ के साथनी गांव के प्राथमिक विद्यालय के रसोइयों को दूध में पानी मिलाना पड़ा भारी। आपको बता दें कि प्रधानाध्यापिका ने रसोइयों को स्कूल से बाहर कर दिया। रसोइयां स्कूल के बच्चों का हक मार रही थी, जिसके बाद प्रशासन सख्ती से आया और रसोइया को नौकरी से निकालने के निर्देश दिए। दूध आया, दूध लेके 15 लीटर दूध आया सर, वहां में क्या बोलते पानी करने की कही रेखा मैडम ने, तो पानी करने की गई तो क्या बोलते 7 बाल्टी पानी करा गया वहाँ में। कर क्या हुआ? फिर बोले क्या बोलते, मैंने कहा बच्चों के हक में इसने क्यों कर रखा, तो कह रही क्या बोलते तू निकाल दूंगी अगर तूने ज़्यादा वो करेगी, तो यहाँ पे धमकी दी है मुझे।
या हमारे में कुछ नहीं कही। स्कूल में धमकी दई मेरी बहू ने, दूध के पीछे लड़ाई वही है। दूध की मेरी बहू ने जी बात कही कहे बाने कही के पानी मिला दो, पानी मिलावे मी बहू ने मेरी ने जो कह रही है कि पानी तुम मिला रही है बच्चे के हक में, तुम पानी मत मिलाओ। तो बहू मेरी दोनों रोती रोती आई है। बहू ने मैं भी रुलाई हूँ, बहू ने मैं खूब रोई हूँ, मैं गई हूँ तो मेरे ऊपर धमकी दई है। गाजियाबाद में पुलिस ने बंद घरों के ताले तोड़कर चोरी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शातिर चोर पहले 20 वर्षों से फ्लैटों और घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोर इतने शातिर थे कि पूरी प्लानिंग के साथ पहले घरों की रेकी करते थे और फिर अपने साथी के साथ घर का ताला तोड़कर उसमें रखे जेवरात उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरों के साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभयखंड चौकी क्षेत्र में एक फ्लैट के अंदर चोरी की घटना हुई थी, जिसके बाद से हमारी टीम लगातार सक्रिय थी। मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कि 13 तारीख को इन लोगों के द्वारा एक चोरी की योजना प्लान की जा रही है दिल्ली में। उस दौरान हमारी पुलिस टीम वहाँ गई तो इन लोगों ये जब चोरी का माल लेके नीचे उतर रहे थे तो इस दौरान हमारी पुलिस टीम के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद ये तंग गलियों का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए। उस समय इनकी फुटेज और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर इनकी शिनाख्त हुई और इन दोनों चोर नाजिम और आबिद को हमारी टीम ने इस जो सोनार जिसको ये माल बेचते थे उसके सहित कल रात्रि में इंदिरापुरम क्षेत्र में 5-6 की पुलिया के पास से पकड़ा है और इनको गिरफ्तार करके सुसंगत विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।